अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन सवारियाँ बहुत ज़्यादा बीमार है। मुश्तबा की भी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी हम आए हैं अगले नाश्ता करने के लिए, और आज है जी जुम्मा, और इंशाल्लाह आज हम मस्जिद नबी में जुम्मा अदा करेंगे और आपको भी दिखाएँगे। अभी फ़िलहाल हम आए हैं पर नाश्ता करने के लिए। आज मेरी प्लेट में जो है ना, दो समोसे हैं, थोड़ा सा केक है, स्क्रैम्बल्ड एग है और मिन्स मीट है। मुश्तबा की भी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है, चलिए नाश्ता करते हैं। चलिए जी, हमारा हो गया नाश्ता, और बस अब दिवालिया के लिए जो है ना मैं केक लूँगा और चाय लूँगा, फिर ऊपर जाके उसको हम नाश्ता करवाते हैं। हम निकल गए हैं भाई जुम्मे के लिए, मामा और मैं जा रहे हैं, और जुबारिया जो है वो बेचारी बुखार बहुत तेज़ है उसका, तो जो है ना वो होटल में ही है मुश्तबा के साथ। और हम माशाल्लाह जो है ना ओवरऑल चेक करें जुम्मे के लिए, माशाल्लाह ठीक ठाक रश होगा। हम एक घंटे पहले निकले हैं जमात से, अब देखते हैं जगह मिलती है हमें अंदर के लिए। आज तो माशाल्लाह भाई जुम्मा है ज़ाहिर है, तो जगह रखने की भी जगह, चलने की भी जगह नहीं मिल रही आज भाई। नीचे तो हमें जगह मिल नहीं सकी, तो मैं आ गया हूँ रूफ पे, और तबीयत मेरी ऐसी जो है ना, मेरा दिल इतना धड़कने लग गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गर्मी और उसकी असर है बहुत ज़्यादा, लेकिन हिम्मत करके मैं ऊपर आ गया हूँ, तो बहुत गर्मी है यहाँ पर। रूफ पे जगह मिली है, नीचे ऑलरेडी सारा जैम पैक्ड है, और अभी एक घंटा डेढ़ घंटा माशाल्लाह बाकी है जुम्मे, आप रश देख सकते हैं। माशाल्लाह ठीक ठाक जो है ना वो रश है, और ऊपर कोई ऐसी का इंतज़ाम नहीं है, और टाइम लगे हुए, लेकिन ये शुक्र है। तो बस आप इंतज़ार करते हैं जुम्मे का, और शरीफ का वेट करते हैं, तो जुम्मा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप अपडेट। भाई जुम्मे की नमाज हमने अदा कर ली है, और गर्मी हो रही है, 40 डिग्री आप लोग रश देख सकते हैं, रूफ टॉप पे हूँ मैं। अब जो है ना मैं आराम से निकलेंगे, सारे चले जाए रश छकते हैं, उसके बाद फिर आराम से उठेंगे और फिर जाएंगे। और आज हो सकता हमारा
प्लान बन जाए तो आप लोग देख सकते हैं चिल चलाती हुई धूप है भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर है माशाल्लाह से, ऐसी गर्मी है तबाही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है नमाज पढ़नी, मैं एक घंटा पहले आया तो उसके बावजूद जो है ना वो जगह मिलना मुश्किल हो गई, और लेकिन फिर भी ऊपर रूफ टॉप पर मिल गई एटलीस्ट मुझे, और चार नमाज मैं अपने साथ ले आया था इसीलिए ताकि जो है ना वो कोई ऐसी जगह मिले तो मैं आराम से चार नमाज बिछा के नमाज पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा अदा कर लिया है मस्जिद नबवी में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आप सबके मैंने मैसेजेस और कमेंट्स रीड किए हैं, और मैंने आप सबके लिए इज्तमाही दुआ की है, अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घर की ज्यारत करवाए और मस्जिद नबवी की ज्यारत करवाए इंशाल्लाह। अपने दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें जी, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ नज़ारा माशाल्लाह से, आप लोगों का हुजूम हुजूम देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम ऊपर छत पे थे और ये नीचे माशाल्लाह इतना हुजूम है, जाहिर है उन्होंने पहले से ही दरवाज़े बंद कर दिए थे एक डेढ़ घंटा पहले, तो इसलिए हमें छत पे जगह मिली थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आइडिया नहीं है, जाहिर अब आइडिया हो गया है। लेकिन हमारा अब जो है ना इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से कल चेकआउट कर लेंगे, और आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ज़्यारतों पे चलने और थोड़ी सी शॉपिंग कर लें, ताकि कल का दिन हम जन चेकआउट करके हम डायरेक्ट जो है मक्का की तरफ के चार घंटे की ड्राइव तो थके ना हो। लेट्स सी, दोबारे की तबीयत पर डिपेंड करता है, अगर वो अच्छा फील कर रही हो कि मैं घर जाके देखता हूँ कैसा फील कर रही है, मामा तैयार होकर ही असर पड़ के आएंगे, लेकिन मैं असर पड़ने के लिए दोबारा आ जाता हूँ, फिर मैं जाके देखता हूँ दोनों को कि दोनों बीमार थे, फिर आपको अपडेट करता हूँ भाई। इन दरवाज़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना अब बना ले जाए, लेकिन ये दरवाज़े खुले हुए हैं अभी। सुभान अल्लाह, इतने बड़े दरवाज़े हैं ये, जो भी माशाल्लाह। रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग जो हैं वो कम से कम दो घंटे पहले आए तो आपको अंदर जगह मिलेगी, वरना पॉसिबल ही नहीं है। हमारे लोग कभी नहीं सुधर सकते भाई, इनको शर्म नहीं आती, पानी पीते हैं, पानी की बॉटल्स को भाई आप अपने पास रखें, घर में जाके कचरे में फेंकें नहीं, रोड पे ही फेंक के चले जाते हैं यार। तो ज़रा तो आप लोग शर्म हया किया करें यार, अल्लाह के नबी के शहर में आए हुए हैं और जो है ना साफ़ सुथराई का ख्याल आप रख नहीं रहे हैं, जबकि सफाई निस ईमान वाली हदीस आपको पता है, इसके बावजूद आप बोतलें ऐसे बाहर हिला, माना के भाई सफाई करने वाले मौजूद हैं, लेकिन आप खुद तो ख्याल रखें यार, सफाई इसका नहीं करना चाहिए यार, हमारे अपने लोग ही हैं, बस इसी बात पे अफसोस हो। एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ, मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही हैं कि ना बस ऐसा लग रहा है दिल बैठा जा रहा है मेरा, इतनी गर्मी हो रही है और ऐसा लग रहा था कि बस मैं अभी गिर जाऊँगा। शुक्र अल्लाह का मैं अपने होटल में पहुँच गया, बस अभी अंदर जाता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, मेरी बड़ी बुरी हालत है। दरवाज़ा खुलवाता हूँ दोबारा, बेल बजा दी है मैंने, अब देखते हैं दरवाज़ा खोलती कि नहीं खोलती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसे हैं मेरे बेटे आप? वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह करने जाना है आपने, शाम में चलेंगे ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। मेरा तो बिल दिल हो रहा है भारी, मैं सोच रहा हूँ कच्ची लस्सी बना के पीऊँ, योगर्ट मिल्क और पानी, गर्मी का जो है वो अच्छा तोड़ है कच्ची। ये में डाली जी योगर्ट, ऊपर मैंगो योगर्ट, और इसके ऊपर डलेगा दूध और पानी, और तैयार होगी कच्ची लस्सी। ये जी हमने तैयार कर ली है मैंगो लस्सी, बहुत ही यमी एंड मजे। मैं सोचा था नीचे से कोल्ड ड्रिंक पी लूं, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक कहाँ, इसका जो है ना कोई नेमुल बदल है। मैंने कहा भाई ऊपर जाएंगे दही और डाल के लस्सी बना के पियेंगे, तो इसलिए बस जो है ना लस्सी पीते हैं और अब आराम करते हैं। बस सोचते हैं कि हमने ज़्यारतों पे जाना है, तो उसके लिए एक बंदे से बात करनी है, मैं उसको जो है ना कोऑर्डिनेट करता हूँ उससे, और फिर इंशाल्लाह आपको भी अपडेट करते हैं साथ। इसको कहते हैं जी सर्विस, हमने कॉल किया, पानी चाहिए और शुगर चाहिए, पानी भी आ गया माशाल्लाह, टिशू भी आ गया, और ये देखो शुगर टी इतनी सारी ला दी उसने, कहा कि जाओ ऐश करो अय्याशी मारो। अब हम चीनी डाल के मुश्तबा को जो है ना लस्सी में डाल के देंगे, मुश्तबा कहता है कि लस्सी जो है ना वो यमी नहीं है क्योंकि मीठी नहीं थी, तो अभी चीनी डाल के मुश्तबा को पिलाते हैं और फिर जो है ना ठंडक का एहसास अपने आप को दिलाते। तो जी मदीने में हो रही है बारिश,
मैं और मुश्तबा और अहमद तो बीमार है लेकिन आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो गया। जी दवाइयाँ शवाइयाँ खा के हम लोग निकल पड़े हैं, कहाँ के लिए? ज्यारतों के लिए। चलें जी अब देखते हैं, हमसे ज्यारतें हम करके आते हैं और देखते हैं क्या कौन कौन सी ज्यारतें। 6 ज्यारतें हैं यहाँ पे, पूरी गाड़ी 6 ज्यारतें हैं। गाड़ी हमारी आ गई है, ये गाड़ी खड़ी है और 6 ज्यारतें करेंगे, उसके बाद फिर शॉपिंग पर जाएँगे, थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। तो अभी हिम्मत आई है दवाई खा के, अल्लाह मालिक है। सामने वाला जी ओहद का पहाड़ है और 8 माइल्स जो है ना ये लॉन्ग है। हम निकल चुके हैं अब ज्यारतों के लिए, तो पहले अब हम जा रहे हैं शहीद और शहदा और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम आपको अपडेट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं जी सैयद शहदा और यहाँ पे बैटल हुई थी 2nd। और ये जो पहाड़ी है ये है जबले रहमत। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं जी ये है ओहद के पहाड़ हैं ये, और जिस जगह पे हम घूम रहे हैं वहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुई थी। आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वो पहाड़ी है कि जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरबाज जो है ना वो ऊपर भेजे थे बैकअप करने के लिए। तो बोला था कि वो ना हिले, हाँ अपनी पोजीशन ना छोड़े, इसीलिए मुसलमान उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी थी, इस वजह से मुसलमानों को डिफीट मिला था। तो ये वो सारा एरिया है जी जहाँ पे ग़ज़वा अहद हुई थी। अब यहाँ पे जो है ना मस्जिद बन चुकी है बहुत बड़ी, और यहाँ की पॉपुलेशन अब क्या 15,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये पीछे आप सारा पहाड़ देख रहे हैं ये ओहद का है। तो ये हमारी है पहली जो है ना पहली डेस्टिनेशन पर भी आए ज्यारत, तो इसके बाद हम 2nd पे जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा हम घूम फिर लें फिर उसके बाद 2nd पे निकलेंगे। ये जी हम अब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पहाड़ पर, देखते हैं कहाँ तक चढ़ने में कामयाब होते हैं। तबीयत हमारी अच्छी नहीं है, जुबारी को ये कह रहा था मैं ज़्यादा ज़ोर मत लगाना, ये पता चला पहली ज्यारत में जो है ना वो थक जाए, क्योंकि ऊपर पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ पे चढ़ना कोई ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तबीयत हमारी वैसी डाउन है। उन सब मुसलमानों की कब्र जो यहाँ पर जंग में लड़े थे, तो ये ग्रेवयार्ड बनाया हुआ इन्होंने और इन्होंने क्लोज कर दिया। वो सामने जी जबले रहमा है और ये ग्रेवयार्ड है, यहाँ पे वो सारे शहदा जो हैं यहाँ पे उन सबकी कब्रें हैं। ये भाई हर जगह यहाँ पे कबूतर ही कबूतर हैं, यहाँ भी कबूतर हैं, और ये दाने बेचने वाले जो हैं ना दाने बेच रहे थे। मुश्तबा को जो है ना गर्मी लग रही है, कह रहा चलो चिड़ा गर्मी से बेचारा, चलें अब अगली ज्यारत की तरफ जो है ना चलते हैं इंशाल्लाह। अब हम आ गए जी अपनी दूसरी ज्यारत पे जिसको कहते हैं सबा मसाजिद, मतलब के 7 मस्जिदें, और ये जो है उन सब को मिलाकर एक बड़ी मस्जिद बना दी गई है जामे अल खंदक, और यहाँ पे ग़ज़वा खंदक भी हुई थी। तो यहाँ पे 7 मस्जिदें हैं जो जब वो टॉप पे भी है इस मस्जिद के पीछे है बैक साइड पे, वो आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे नवाफिल अदा करने, उसके बाद में वहाँ से आपको दिखाते हैं जी जामे अल खंदक। तो 7ों को मिला के इन्होंने एक जामे मस्जिद बना दी है, ये नया बनाया 10 साल हो गए। हाँ ये बाउंड्री है ना इसके अंदर से, देखो इसके नीचे 6 छापी का कब्र है, मकबरा कब्रिस्तान। सही बन सही अब एक खुद ही ना करते रूढ़े है ना, इशारा से लेके हराम 1 किलोमीटर वो खंडा खुदा था, और ऐसे लेके ऊद का पहाड़ है 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर का खंदक है, बंद कर दिया बाद में रोड बना दिया, अभी निशाना नहीं खत्म कर दिया। सही 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 हरम से लेके ऊद का पहाड़ सारा वो खंदक था। सही
और ये सही है, ठीक है। सलमान फारसी, उस तरफ जो है हज़रत साद बिन माज, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत अली साद बिन माज, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सैयद सलमान फारसी, ठीक है। और वो सल्तनत है सल्तनत उस्मानिया के दौर के सिक्योरिटी के घर हैं वो, ऊपर जो पहाड़ पर बने हुए, सही खूबसूरत, सही सही जी। सारी इन्फॉर्मेशन जैसे अभी दी है, और उसने एक और बात बताई है कि वहाँ से लेकर पूरे सिग्नल तक और वहाँ से पूरे हरम तक जो है ना 4 किलोमीटर की खंदक खोदी गई थी, जिसको अब ज़ाहिर है सऊदीया ने बंद कर दिया और अब उस पर रोड वगैरह बन गए। और वो उस तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद भी थी, जिसको गिरा दिया गया है, जिनको ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी मस्जिद थी, और ये ऊपर सिक्योरिटी के घर हैं सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया के, और ये आप सल्लम की मस्जिद है जहाँ पे नफिल अदा करने होते हैं, और ये सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद है। चलो ऊपर चलते, ये है जी मस्जिद अल-फतह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, उसके बाद पीछे उन्होंने लगाया हुआ भी है, और ये ऊपर वही वाली पहाड़ी है एग्जैक्ट, और ये बड़ी वाली मस्जिद जामे अल-खंदक। जुबारिया और मामा अंदर गए हुए हैं असर पढ़ने के लिए, वो लोग बाहर आए तो फिर मैं जाऊँ असर पढ़ूँ, क्योंकि मुश्तबा जाना मेरे साथ है, उसको गर्मी बहुत लग रही है, लाल टमाटर हो रहा है, बहुत तंग हुआ बेचारा, मैं बर्दाश्त नहीं हो रही उससे गर्मी। और अब देखें यहाँ ऊपर आ चुके हैं हम लोग, अब दोनों बाहर आते हैं, फिर मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह अगली जगह। भाई आइसक्रीम खाई जा रही है मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी, गर्मी बहुत है भाई, तो हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खा ली जाए, दो मैंगो दो स्ट्रॉबेरी। मुश्तबा की हालत देखो, मुश्तबा की गाल तो चेक करो, मुश्तबा 1 2 3 गो, मुश्तबा के गाल जो ना टमाटर की तरह लाल हो गए, अब मुश्तबा को करना होगा। हाँ आ जाओ भाई चलो 1 2 3 गो। मुश्तबा के हमारे काम है, पहले इसको समझ में नहीं आती बात, फिर बाद में कहता है कि मैं करें, चलो आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं लुत्फ। ये है जी मस्जिद क़िबलतैन, अब हम आ गए हैं जी मस्जिद क़िबलतैन। जुबारी लोग वहाँ से जाएंगी, औरतों की एंट्रेंस है और मर्दों की एंट्रेंस इस तरफ से है, तो मुश्तबा और मैं इस तरफ से अंदर जाएंगे। ये हम आ गए हैं जी मस्जिद क़िबलतैन, और ये अंदर का है जी मनाजिर। और ये देखिए आप लोग, इधर जो है ना अभी हम नवाफिल अदा करेंगे इंशाल्लाह, और मगरिब का टाइम तो अभी नहीं हुआ, तो ये जी पहला क़िबला यहाँ पे था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, और उनको जो है वो वही नाजिल हुई कि क़िबला जो है अपना बदल लिया जाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला काबे की तरफ कर लिया, तो पहला क़िबला इस मस्जिद की तरफ था, तो हम उस मस्जिद में आए हुए हैं। माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत प्यारी मस्जिद है। अब हम मेरे ख्याल चलेंगे आगे की तरफ, सफ़र को कंटिन्यू रखें ताकि जो है ना जल्द से जल्द हम लोग सारे की सारी ज़्यारतें वक्त पे कर सकते हैं। बाहर का एरिया है, चप्पल रखने की जूते रखने की जगह है, उस तरफ वजू करने की जगह है, ये बाहर का ओपन एरिया है जो उन्होंने अभी बंद किया हुआ है, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी रास्ता है मेरे ख्याल से, नमाज जब जुम्मा उम्मा होता होगा बड़ी नमाज के लिए तो ऊपर खोल देते होंगे, तो ये फ़िलहाल एंट्रेंस थी मस्जिद की। भाई मेरे साथ हो गया था एमरजेंसी सिचुएशन वाला हिसाब, मेरा चल रहा है भाई, मेरा तो चल रहा है पेट ख़राब, तो जो है ना अचानक से आना पड़ गया, शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गया। अब मैं अपना ड्राइवर और गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, जुबारी लोग बैठे हुए हैं, मुझे तस्वीरें सेंड कर रही, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा ये लोग कहाँ हैं, अब ढूंढते हैं इनको। ये जनाब सब्ज़ी मंडी हमारे राइट साइड पे, हम होल सेल मार्केट में आए हैं, सब कुछ यहाँ से मिलता है आपको, सब्ज़ी मंडी, गोश्त, खजूरें, मज़े लगे हैं।
से देखनी है, फिर इसे आगे देखनी जहाँ से आपको अच्छी लगती है ना। अभी हम आए हैं जी खजूर की होलसेल मार्केट पर। ये पूरी मंडी है इधर, जो है ना सब्जियाँ, फूल पौधे, धनिया पुदीना, गोश्त, हर चीज़ मिलती है। मछली, ये मार्केट है पूरी होलसेल मार्केट है। देखते हैं यहाँ पे क्या हिसाब किताब है खजूर का ना, चल के पता करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने की यहाँ पे खजूर दे रहे हैं लोग। अजवा शहर में जो हिसाब किताब है वहाँ से यहाँ पे खरीदने पर लाया नहीं है, वो भी हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और दाना कैसा है, अच्छा है, छोटा है, बड़ा है, वही पता चल जाएगा। देखो भाई कैसी है खजूर, शहर वाली है या क्या है? 45 रियाल। 45 रियाल। और ये तुम्हारा 40 रियाल, 35 रियाल। अच्छा, और वो वाला? वो अवाली का है, वो 45 रियाल। अच्छा, वो अवाली। अजवा अवाली, वो अजवा किस्म की खजूर है भाई। अब उसमें से सेलेक्ट करनी है तो एक तो हमने हवेली सेलेक्ट कर ली, हवेली क्या, हवेली अजवा, हवेली अजवा, और दूसरी अब देखते हैं क्या। मामा बताइए दूसरी पे। हवेली जी हमने सेलेक्ट करी है हवेली अजवा, जो कि हमें 45 रियाल पर केजी। अब इसे देखते हैं बारगेन के बाद हमें कितने की देता है। उसको ये कीड़ा लग जाता है। अच्छा, सही सही। तो अवाली वाली जो खजूर है वो आप सल्लम ने खुद अपने हाथों से बागात लगाए, ठीक है। अवाली वाली इसलिए जो है वो उसका टेस्ट भी अच्छा था, टेस्ट अवाली का ज़्यादा अच्छा था, तो हमने फिर अवाली डिसाइड की है तो वही लिया फिर हमने। अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा, और वहाँ हम जो है ना नवाफिल अदा करेंगे और फ़र्ज अदा करेंगे, मगरिब भी हमें मगरिब भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब अब हम लोग आ चुके हैं मस्जिद कुबा, और बहुत ही कोई खूबसूरत लग रही है। चार मीनार हैं इसके, बहुत खूबसूरत है, तीन चार अच्छी ज़्यादा गुम्बद हैं इसके। चल के अंदर से देखते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी मगरिब की नमाज जो है वो ख़त्म हुई है। हाँ जी, अब हम अंदर आ चुके हैं मस्जिद कुबा के अंदर। माशाल्लाह से भाई बे मगरिब की नमाज जो है अभी अदा हुई है, और बेतहाशा जो है यहाँ पे रश है, और यहाँ पे हम अब जो है ना हम भी नवाफिल अदा करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। काफ़ी खूबसूरत है जी मस्जिद, हम आपको आगे से भी दिखाते हैं। हमने पीछे से बनाई थी, ये पूरा बैक साइड का एरिया है, और ये आप देखें ये है फ्रंट का एरिया जहाँ इमामत होती है, और फानूस बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं माशाल्लाह से। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे जमातें होती हैं बहुत सारी। सऊदी अरब में मैंने पहले भी कहा, एक बड़ी खूबसूरत बात दिखती है कि जमात अगर निकल जाती है तो चंद लोग मिलते हैं और वो अपनी जमात करवाते हैं ताकि सब जमात से नमाज पढ़ जाए। अब हम आ गए हैं जी पीर ज़राज, पीर कहते हैं जी कुएँ को, और ये वो कुआँ है कि जिससे पानी हज़रत अली ने निकाला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के लिए। ये वो कुआँ है बीर गर्स, सकते हैं वहाँ से इसकी ओपनिंग है। मैं आपको वहाँ से ये है जी वो कुएँ की ओपनिंग। अब हम आ गए जी हज़रत सलमान फारसी के बाग में, यहाँ पे जी दुकानें शुकानें लगी हुई हैं आइसक्रीम की, और कुछ चंद शॉप्स हैं। उसको तो अपनी आप तो नज़र आ गई है, खजूरें वजूरों की दुकान भी लगी हुई है, स्लैशेस ये वो, अच्छा बाग बना हुआ छोटा सा, बस उसको सजा दिया उन्होंने जी। इन लोगों ने बस जो है ना यहाँ बैठक शैठक लगाई हुई है, चाय शाय पिए हैं, ये ऊद वगैरह बेच रहे हैं, और यहाँ खजूरें वजूरें पता नहीं लगती हैं कहीं नहीं लगती, तो इधर भी खजूर हैं, उधर परफ्यूम वगैरह बेच रहे हैं।
बस यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म है, ये बाग है, वो भी बैठक बनी हुई है। और मुश्तबा को आजकल बिल्लियाँ बहुत पसंद आई हुई हैं, बिल्लियों को पकड़ पकड़ के मज़ा आता है इसको। भागो भागो वो वाली बिल्ली, वाली बिल्ली, वो देखो वाली मुश्तबा, वो वाली वो भाग रहे हैं। मुझे कोई बिल्ली इसको प्यार करने नहीं दे रही। हमारी बेगम साहब को ये पसंद आ गया, अभी वो देखने के लिए गई, नज़र पड़ गई इनकी बस देखने के लिए। जुबारी का मज़ा नहीं आ रहा रिएक्शन। तो जनाब अब हम लोग आ चुके हैं बाकी की शॉपिंग करने के लिए। ज़्यारतें तो हमने माशाल्लाह से कर ली हैं जितनी हमसे हो सकती थी, टाइम की भी कमी थी और हमारी सेहत भी हमें इजाज़त नहीं दे रही थी कि हम आगे जो है ना, हाँ सेहत की कमी थी, हमें आगे जो है ना हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। मुस्तफ़ा बहुत परेशान है। तो ये है जी, किसी की रिकमेंड से आया था मैं, रिकमेंड क्या, वो एक बंदे की मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, अब्दुल हाँ किसी की मैंने यूट्यूब पे व्लॉग देखा था, उसने कहा था कि यहाँ से जो है ना सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और आप ये देखें यहाँ का माहौल, यहाँ सामने पार्क है, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। तो यहाँ से करते हैं हम चल के शॉपिंग बाकी की, और उसके बाद जो है ना फिर कुछ पेड़ पूजा करते हैं। भूख ऐसी जोर की लगी हुई है, तो आपको फिर अपडेट करते हैं। स्टेट ये हमें शॉप नज़र आई है भाई यहाँ पे, अभी मैं ले रहा हूँ तीन गन्ने की चिप्स ले रहा हूँ। उसने कहा अंडे वाला बर्गर है हमारे पास, मैं खुश हो गया। मैंने पूछा क्या डालते हो, कहता खाली अंडा हो पर क्या चप्पर माए। मैंने कहा शामी कबाब होता नहीं, मैंने कहा बस रहने दो, मैं निकली। मुश्तबा साहब को जूस लाया, उन्होंने छोड़ दिया, पियो उसको ख़त्म करो, मैंने अपने लिए गन्ने का रस लिया, अभी कुछ खाने के लिए देते हैं। तो जनाब हमने जो है वो जानमाज ले लिए हैं, इत्र ले लिए हैं, और जुबारिया पता नहीं अब क्या लेने लगी है, मुझे नहीं पता। मुश्तबा और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मुश्तबा हम मामा का वेट कर रहे हैं, हम मामा का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है ना कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे होटल की तरफ, क्योंकि सुबह हमने जाना है मक्का, और मक्के का सफ़र है 4.5 घंटे का ऑलमोस्ट। फिर इंशाल्लाह हमारी हिम्मत हुई तो हम उमरा करेंगे वहाँ से। भाई ये देखें यहाँ पे ये है बड़ी सस्ती मार्केट, डिस्काउंट में सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये होलसेल वाला हिसाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्बियों की तस्बियाँ, इत्र के इत्र, बॉक्स के बॉक्स पैक हुए हैं। तो आप लोग इसी मार्केट आए जब शॉपिंग करनी हो आप लोग, तो बहुत फिट जगह है ये, बहुत फिट, सस्ती की सस्ती सारे काम हो जाएंगे आपके। मेरी हालत देखें, मैं तो भाई मेरे तो पैर टूट रहे हैं, चलो मेरे पर हिम्मत नहीं है, मेरी दवाई का भी टाइम हो गया और अभी खाना भी नहीं खाया, भूख भी बहुत जोर के लग रही है, और ड्राइवर भी नॉट नहीं कर रहा है, अब अल्लाह मालिक के देखते कहाँ से। तो जनाब रात का खाना हमने लिया है अल्ताज़िज से, और इसका रिव्यू हम आपको देंगे घर जा। दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे कार्ड जो है ना वो डीएक्टिवेट हो गए। इस होटल की सर्विस की अच्छी तो लगी है, लेकिन ये चीज़ बहुत बुरी लगी है मुझे, तो जो है ना ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर इस होटल में रुकना है तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर चले चलते हैं। फाइनली जी हम अपने होटल के कमरे में आ चुके हैं, 6 घंटे बाहर रहने के बाद जिसमें शॉपिंग की और ज्यारतें की, और ये मुश्तबा जो है ना अपना ऊँट लेके आया, ऊँट, और जो है ना हमने इनको क्लीनिंग का बोला था, इन्होंने क्लीनिंग नहीं की कमरे की, ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ कचरा भी जो है ना इन्होंने नहीं उठाया। इनको कहना पड़ेगा कॉल करके, कार्ड भी डीएक्टिवेट था। ये सर्विस बेकार है इनकी, रिव्यू गंदा दूंगा मैं। देखिए ज़रा मुश्तबा क्या लेकर आया है। मुश्तबा अच्छा है, मुश्तबा सुनाओ, आप मुझे सुनाओ। हाँ हाँ माशा भाई, मैं तो आ गया हूँ अपने कंफर्ट जोन में, और अब जो है ना बस हम खाना लगाएंगे अल्ताज़िज का, क्या है अल्ताज़िज का, और उसके बाद हम आपको देंगे रिव्यू भी, दिखाते हैं हम। आप जरा खाना नीचे बिछा के ना, फर्स्ट क्लास, भूख लगी हुई है। जनाब हमारा ब्रोस्ट है, और जुबारिया ने जो है ना वो वर्डिक्ट दे दिया कि एवई सा है, और चले इस एवई से ब्रोस्ट को खाते हैं, और खा के फिर आपको बताते हैं क्या। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 3-4 दिन के बाद जो है ना अब मैंने खाना सही से खाया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा है। मेडिसिन जो है ना एंटीबायोटिक ने जो मेरा काम दिखा दिया है, तो अभी जो है ना सेहत बेहतरी की तरफ जा रही है। देखो क्या कह रही है, मुश्तबा ने जो है भाई पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया, वो कह रहा है मुझे जर्मनी वापस लेके जाओ, वो कह रहा है मुझे वापस पाकिस्तान नहीं लेके जाओ। आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा, खाना बाकी जो है ना वो ब्रोस जो है ना वो अच्छा था, नो डाउट,
और हमें भूख भी बहुत लगी थी भाई, सीधी सी बात है। तो आज का दिन जो है ना हमारा इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह अपना प्यार देते रहें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसी तरह बहुत ढेर सारा प्यार दें। मुस्तफा बोले, मुस्तफा बोले, बोले हमारे चैनल को, हाँ शुक्रिया। मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।